आज देख रहे हो पूरा पैकम पैक हो गया, लवा लब भर गया यहाँ से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये सारा सामान अभी गाड़ी में रखना है मेरे को, रजाई ये कंबल तकिया और ये गद्दा नहीं लेके जा रहा हूँ, तो ये सारा सामान अभी लेके जाना है। और अभी बजे हैं सुबह के 4:30, सफर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं। चलो भाई, सामान हो गया लबालब, अभी तो इसमें 4 लोग का सामान और आने वाला है। हाँ दे, बॉटल जरूरी है खाली इधर, यहाँ पे खाने का अपना सामान है, यहाँ पे पानी बोरी, यहाँ पे अभी पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन सामान जमाने में आर्टिस्ट तो बनना पड़ेगा इस बार। और अभी बजे हैं सुबह के 6:30, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, सो लेट्स गो। थोड़ा सा वार्म अप होने देते हैं गाड़ी को, एंड 35 लीटर है भाई। यहाँ पे फ्यूलिंग हो रहा है अपना, और लबालब भरा हुआ है गाड़ी, देखते हैं कितने का फ्यूल आता है। फर्स्ट टाइम अपन इसमें फुल करवा रहे हैं, तो बस बस इतना काफी है। कितना है? 3170। 3170 में भाई अपनी गाड़ी हो गई फुल। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिप यहाँ से, पेट भर गया गाड़ी का, अब चलो भाई। भाई देख रहे हो पूरा पैकम पैक हो गया, लवा लब भर गया यहाँ से, डिक्की पूरा भर गया। यहाँ पे इन लोग का हेडरेस्ट आ जाएगा, और ये सब इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा गुरु, 2-3 और सामान उसको एडजस्ट करते हैं, बाकी पूरा पूरा पैक इसको खोला तो गिर जाएगा भाई, इधर सामान उधर सामान हर जगह सामान सामान पूरा। चलो हो गया, वैसे तो निकलते हैं यहाँ से फिर। अपन होटल हाईवे किंग में, और यहाँ पर अपन चाय पियेंगे और क्या बोलते हैं समोसा मटर खाएंगे। गाड़ी पूरी दब गई है, हम मटर खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चालू होगा कुछ कुछ पैच खराब है उसके बाद, लेकिन जब कटघोरा पहुँचेंगे, कटघोरा के बाद बढ़िया रोड है। अगर पुराना ब्लॉग देखोगे अपने मेन पार्ट का, तो रोड तो आपको पता ही होगा, बाकी तो बढ़िया इधर से। चल हाँ, तो भैया अच्छे रोड का फ़ायदा उठाते हुए ख़राब रोड के पास पहुँच गए हैं। अब यहाँ से कटघोरा तक ऐसे ही डाइवर्जन रहेगा, बीच बीच में अच्छे रोड है, बीच बीच में ख़राब रोड है, और बहुत आराम से यहाँ से निकालना पड़ता है, क्योंकि गड्ढे भी भाई बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और जो गाड़ी है वो तो पूरा टॉप अप हो चुका है, सो इसलिए गाड़ी थोड़ा सा दब गया है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए आराम से निकालना पड़ रहा है। कटघोरा पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए शहर के अंदर घुसने वाले और हाँ, और अब यहाँ से आधा सफ़र अभी अपना बचा हुआ है, आधे ज़्यादा बचा हुआ है। अब यहाँ से अच्छा सही रोड है और बढ़िया सीन आ रहा है। रुकना है क्या बीच कहीं पे? फिर सीधा वहाँ पे रुकेंगे, सीधा मेन पार्ट में रुकेंगे, अब सीधा चलते रहे। पूरा ब्लू पानी है। भाई अभी हमारे ब्रदर गाड़ी चला रहे हैं, ये देखो, और यहाँ से करीबन 80-90 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। 80 किलोमीटर अभी अंबिकापुर है, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर। गूगल में सर्च कर बैकग्राउंड इरेजर। Bye.
sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't. तो भाई लखनपुर से ले लिया राइट, और यहाँ से कुछ कुछ सामान लेना है हमको, उसके बाद फिर सीधा सीधा चलेंगे। इस बार हम थोड़ा सा दूसरे रूट से जा रहे हैं, मतलब पिछले बार आए थे तो अंबिकापुर के अंदर से होते हुए गए थे, बट इस बार लखनपुर से जो राइट कटने का जो रास्ता है, जहाँ से एक्चुअल मेन पार्ट जाते हैं वहाँ से अपन जा रहे हैं। सो देखो रोड कैसा अपने को मिलता है, ये भी कुछ नया ही होगा हमारे लिए, क्योंकि इस रोड से हम कभी नहीं आए हैं। हेलो गाइस, हम लोग ब्रेकर है चढ़ा दिए है, अब हम जा रहे हैं 56 के स्पीड में। क्या प्यारा आवाज आ रहा है चिड़ियों का, सुन। गांव के अंदर से होते हुए गाय को साइड देते हुए निकल रहे हैं, गोबर का स्मेल लेते हुए निकल रहे हैं। हाँ तो भाई ऑफ रोड चालू हो गया, अब यहाँ से थोड़ा दूर, मतलब वो जो रोड दिख रहा है वहाँ से लेफ्ट कटेंगे और फिर मेन पार्ट हिल्स पूरा चालू हो जाएगा। क्या प्यारा सीन है यार, ताबड़ तोड़ यार, मजा आ गया। यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर और भाई ठंड तो लग रही है यहाँ पे, अभी 2 बजे है तो ठंड अभी लग रहा है इधर। उपवास करते हैं ना, तो फलाहारी के टाइप से, तो मतलब मैदा टाइप का पाउडर बनता है। अच्छा, तब ये पहाड़ों में उगता है क्या ज्यादा? विदिन क्रॉप है ना, तिब्बत वाले ये भी ले आया, मतलब ऑलमोस्ट वही है, ठंडा इलाका बर्फीला। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ये वहाँ नीचे बोर था पानी के पास भाई, ताबड़तोड़ जगह है भाई यहाँ पे कैंप लगाने के लिए, एक नंबर यार। भाई लोग भी लगाए हैं लेकिन ठीक है, मैं सोचता था वो वहाँ पे लगाने के लिए। वही वाला तो बोल रहा हूँ, वो मोड़ के पास आते। अबे काट काट, पूरा काट, जानने जानने काट काट, धीरे 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 धीरे, आजा 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 आजा, आना आते जा, सीधा कर स्टीयरिंग, सीधा कर भाई, आजा आजा आजा, लगेगा लगेगा, घिसाएगा थोड़ा सा भाई, ले लेफ्ट ले लेफ्ट लेफ्ट, हाँ तेजी एक्सेलेरेटर मार। सो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं अभी टेंट के अंदर हूँ, टेंट आपको दिखाता हूँ बाहर से। तो अभी जो हमारा टेंटिंग का जो व्लॉग होगा
वो इसके बाद आएगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक हम मेन पार्ट पहुंच गए हैं, टेंट को हमने लगा लिया है, अब बॉन फायर वगैरह सारी चीज़ें होंगी। सो ये जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा मत हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं टेंट और इसको मिला दिया तो। सो मैं एक बार टेंट दिखा देता हूँ आपको, और बाहर से मैं दिखाता हूँ भाई। सो ये अपना एक टेंट है और ये अपना एक टेंट है, इसको मैंने ढक दिया है। ये कलर उस टाइप का कलर है, मतलब वो ऑरेंज वाला कलर है, एक बार देखे होगे अगर व्लॉग में देखे होगे तो इसको मैंने कार के कवर से ढक दिया हूँ। अब यहाँ पे ना भाई क्या हो रहा था कि अंदर ना पूरा पानी जम जा रहा था, मतलब ओस जम जा रहा था, पूरा बर्फ टाइप का भाई, पूरा बर्फ टाइप का। तो अभी क्या हो गया भाई, अब इसमें से ना ओस की जो दिक्कत थी ना वो बंद हो चुकी है। सो बहुत अच्छा हो गया भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारी कार खड़ी यहाँ पे, बहुत अच्छा हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं। पर लाइट जलाता हूँ मैं। सो ये कुछ इस टाइप का नज़ारा है यहाँ, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यहाँ तक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग हमारा कैंपिंग का है, इसके बाद वो वाला व्लॉग कैंपिंग का है। सो गुड नाइट एंड बाय बाय। ये है लाइटिंग लग गया अपना, ये देख रहे हो देवराज।